फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकाशिया किचन माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जी ब्रेड पकौड़े, स्टफ्ड ब्रेड पकौड़े। इसके लिए हमने लिया है जी आलू, ये अदरक वाला पानी लिया है जी, बेसन ले लिया है, बारीक काट कर प्याज, धनिया और पुदीना, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। ऐसे बर्तन की मदद से आलू को पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे जी नमक, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मैं यहाँ पर आधे से ज़्यादा चम्मच डाल रहा हूँ नमक का, साथ में लाल मिर्ची थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है, साथ में आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा इसमें। उसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला, अभी इसमें डाला जाएगा जी धनिया और पुदीने को बारीक काट कर ले लिया था हमने, ये इसी में डालेंगे प्याज। साथ में डालेंगे जी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। अभी इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। अच्छी तरह इसको मैश कर लिया जी। अब चलेंगे हम बेसन की तरफ, बेसन की तैयारी करेंगे। थोड़ी सी बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसमें हमने ले लिया जी बेसन, बेसन में थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसी के साथ डालेंगे इसमें अजवाइन। इसमें अब हम अदरक वाला पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, भी इसका घोल तैयार करेंगे अदरक वाला पानी डालकर। घोल थोड़ा पतला करना है। ये देख लीजिए जी, ऐसा होना चाहिए। ब्रेड लेंगे, इसमें आलू भरेंगे, ऐसे ही बाकी पीस तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह दबा दो, दबाने के बाद रख दो। सारे ब्रेड भर के रख लिए जी। अब चलते हैं इनको कुकिंग की तरफ। तेल हमारा गर्म है जी पूरा,
अभी हम ये उठाएंगे, इसको इसमें डिप करेंगे बेसन के घोल में, तेल में छोड़ देंगे। अच्छी तरह से साइडों को पलटते हुए इसको पका लेंगे। तैयार है जी, अब हमारा स्टफ आलू से भरा हुआ ब्रेड पकौड़ा। अभी हम इसको सर्व करेंगे ग्रीन सॉस और टमाटो केचप के साथ। इसको हम बीच में से काट देंगे वैसे। ये देखिए जी, हमारा स्टफ रैप पकौड़ा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।